हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर करेंगे बायोलॉजी का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, छड़ रूपी जीवाणु कहलाते हैं, तो उन्हें हम बेसिलस कहते हैं, बेसिलाई, जैसे लैक्टोबेसिलस है। तो ये जो है रॉड शेप रहते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस के श्रावण को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो ये है सिक्रेटिन, जो कि पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ, साइक्लोप्स किसका द्वितीयक पोषक है, तो जो गिनी वर्म है, गिनिया वर्म जो है उसका द्वितीयक पोषक होता है साइक्लोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, एक्रोसोम बना होता है, तो एक्रोसोम जो है वो स्पर्म का जो आगे वाला भाग रहता है उसे हम एक्रोसोम्स कहते हैं, और ये जो है गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी काय का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुंकेसर के तंतु स्वतंत्र होते हैं और पराग कोश जुड़े होते हैं तो इस अवस्था को कहते हैं, यानी व्हेन व्हेन द फिलामेंट ऑफ स्टेमेन आर फ्री एंड एंथर लोब्स आर यूनाइटेड, सो दिस कंडीशन इज नोन एज, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंजेनियस जो है कंडीशन है ये। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोटेनी इज फाउंड इन, नियोटेनी पाई जाती है, तो नियोटेनी वो कंडीशन होती है जिसमें जो जुवेनाइल फीचर्स होते हैं वो एडल्ट एनिमल में रहते हैं, जैसे कि एक्सोलोटल लार्वा है, यानी ऐसे लार्वा जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी शो करते हैं स्टिल इन लार्वल स्टेज, एडल्ट में जो है कन्वर्ट ना होके और लार्वल स्टेज में जो है वो सेक्सुअली जो है मैच्योर हो जाते हैं, तो वो होते हैं एक्सोलोटल लार्वा में जो है नियोटेनी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थफॉर्म पॉजेस हार्ट्स, केंचुए में हृदय होते हैं, तो केंचुए में टोटल जो है 5 जोड़ी हृदय होते हैं, वैसे ये जो है बेसिकली हार्ट नहीं होता है, बट ये जो इसमें आर्चेस पाई जाती हैं 5 पैर या 5 हार्ट जो सेगमेंटेड रहते हैं और ब्लड पंप करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और 5 पैर जो है एरोटिक आर्चेस इसमें पाए जाते हैं जिन्हें हम हार्ट कहते हैं ऑफ ब्लड ऑफ अर्थवर्म, इसमें से जो है ट्यूबुलर हार्ट और लेटरल हार्ट्स जो है वो पाए जाते हैं। सिफेलोडियम एंड इसीडियम आर मोड ऑफ, लाइकेंस में सोरीडियम और इसीडियम साधन है, तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अलैंगिक प्रजनन का साधन है सोरीडियम और इसीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन, एस्किनॉइड प्रणाली पाई जाती है, तो ये जो प्रणाली है जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में, ल्यूकोसोलेनिया में एस्किन, साइकन एंड ल्यूकॉन टाइप की जो केनाल सिस्टम है वो पाई जाती है। ये एक स्पंज है जिसमें इसका जो बॉडी सरफेस है वो परफोरेटेड रहता है जो बाय लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स, जिनको हम पोर्स या फिर ऑस्टिया भी कहते हैं, तो पोरीफेरा जो जिसके मेंबर हैं उसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ वाज परफॉर्म बाय, कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण जीवन का आधार है, ये प्रयोग किसने किया था, तो ये प्रयोग जो है वो मिलर ने किया था, इसने इसमें जो है बेसिक जो कंपाउंड है उनका यूज़ करके बताया था कि कार्बनिक यौगिक जो है वो जीवन संश्लेषण का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था मिलर ने।
न्यूट्रिशन इन अमीबा इज़ अमीबा में पोषण होता है, तो अमीबा का पोषण जो है वो होलोजोइक होता है, ये अपने जो सूडोपोडिया है उसके थ्रू जो फूड पार्टिकल है उसे पूरा अंदर ले लेता है, और ये होलोजोइक टाइप का जो है न्यूट्रिशन मोड जो है पोषण जो है वो पाया जाता है अमीबा में। सुपरफिशियल क्लीवेज यानी सतही विदलन किसका मुख्य लक्षण है, तो ये जो है मुख्य लक्षण है सेंट्रोलेसिथल जो एग्स होते हैं, जो केंद्र पित्तकी अंडा होता है उसमें होता है सुपरफिशियल क्लीवेज पाया जाता है, ये जो है सेंट्रोलेसिथल एग या केंद्र पित्तकी जो अंडा है उसमें पाया जाएगा सतही विदलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिडियो कार्प और इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ, बेसिडियो कार्प फलन काय है, तो बेसिडियो कार्प जो है वो अगैरिकस में पाए जाते हैं, इसकी फ्रूटिंग बॉडी है अगैरिकस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ लिवर फ्लूक इज, यकृत कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सिलिया युक्त लार्वा है, तो वो होता है मीरासीडियम जो कि सिलिएटेड लार्वा होता है, और ये फ्री जो है स्विमिंग लार्वा है लिवर फ्लूक का। यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन, तरुण पत्तियां कुंडलित होती हैं, तो ये जो यंग लीव्स होती हैं वो मार्सेलिया में, फर्न में और साइकस सब में जो है वो कॉइल्ड रहती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोटिक डिवीजन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स टेक्स प्लेस एट, तो अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है, ये बनती है जाइगोटीन अवस्था में बनती है, जो पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वो जाइगोटीन स्टेज में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पाइनस जुरेलडीनिया में, ये बीज होते हैं और ये खाए जाते हैं चिलगोजा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लेयर गैस्ट्रोला इज फाउंड इन, दो स्तरीय गैस्ट्रोला पाया जाता है, तो दो स्तरीय जो गैस्ट्रोला है वो ऑप्शंस है हमारे, एम्फियोक्सिस, बी है फ्रॉग्स, सी है बर्ड्स, तो जो टू लेयर गैस्ट्रोला है वो एम्फियोक्सिस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनरी प्लेसेंटा अकर्सिन, जोनरी अपरा पाया जाता है, तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स में भी पाया जाता है, हर्बीवोरस मैमल्स में एंड कार्निवोरस मैमल्स दोनों में ये पाया जाता है, तो ए एंड बी बोथ हो जाएगा इसका सही आंसर, जो जोनरी अपरा है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इन एनिमल सेल्स, प्राणी कोशिका में निम्न में से कौन सा अंतर कोशिकीय संधि का प्रकार है, तो ऑप्शन देखिए, मिडल लैमिला जो है वो प्राणी कोशिका में नहीं होती है, वो प्लांट में होती है, प्लाज्मो डेस्मेटा भी नहीं होता, डेस्मोसोम्स बंधकाई, तो ये जो है सही आंसर हो जाएगा, एनिमल सेल्स में इंटरसेल्युलर जंक्शन जो है वो होता है या अंतर कोशिकीय संधि का प्रकार है डेस्मोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, बहुमूत्र रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो ये वैसोप्रेसिन जो है उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है, जिसमें बार बार जो है जो पेशेंट होता है वो बार बार मूत्र त्यागने जाता है, और इससे डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, एक डायबिटीज़ मेलाइटिस जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है, और ये इंसिपिडस है जो वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेंटल केयर बाय मेल ऑफ मेल इज फाउंड इन, किसके नर में पैतृक संरक्षण गुण पाया जाता है, ऑप्शंस है हमारे, हिप्पोकैम्पस फिश यानी जो समुद्री जो घोड़ा होता है जो छोटा सा हिप्पोकैम्पस, लेबियो फिश, एनाबस फिश, स्कॉलेडियन फिश, तो इसमें से जो है ये पैरेंटल केयर पाया जाता है हिप्पोकैम्पस फिश में, इसमें जो नर होता है वो अपने मुंह के अंदर जो है अंडे रखता है, और जब वो अंडे जब बच्चे बन जाते हैं जो वो तो वो उनको रिलीज़ कर देता है, हैचिंग जो है वो मेल करता है इसमें, तो पैरेंटल केयर जो मेल का है वो हिप्पोकैम्पस फिश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयरिक वाटर, ऑप्शंस है हमारे, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को सोख
शोषित कर सकता है लेमन, मैंगो, नीम एंड ऑर्किड। तो इनमें से सही आंसर जो है वो होगा ऑर्किड, जो वातावरण का जो एटमॉस्फेरिक जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है ऑर्किड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी, इसलिए इसके लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस आफ्टर ओव्यूलेशन इज, अंडोत्सर्ग के बाद हार्मोन का श्रावण करने वाली संरचना है, तो ये होती है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इससे जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है आफ्टर द सिक्रेशन ऑफ आफ्टर ओव्यूलेशन या ओवम के रिलीज के बाद जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ मेटोटिक सेल डिवीजन क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं, तो वो स्टेज है प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो या गुणसूत्र अपनी पहचान जो है खो देते हैं। कौन से स्टेज में, प्रोफेज स्टेज में। परिपक्व mRNA में जीन का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है, विच पार्ट ऑफ द जीन इज नॉट अवेलेबल इन मैच्योर mRNA, तो मैच्योर mRNA में जो है हमें नहीं मिलता है। सो जो मैच्योर mRNA है उसमें इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं स्प्लाइसिंग के टाइम, mRNA स्प्लाइसिंग के टाइम जो है इंट्रॉन्स रिमूव कर जाते हैं और एक्सॉन्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं कोडिंग सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डजेंट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा एंजाइम ग्रिफिथ प्रयोग में रूपांतरण को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें से जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज और उसके साथ साथ आरएनएज, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो इफेक्ट नहीं करते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, दैट इज आरएनए से डीएनए की तरफ जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, निम्न में से किस विषाणु में सूचना का प्रवाह उल्टा होता है, अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है, तो ये होते हैं जो एचआईवी वायरस हैं उनमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आरएनए से डीएनए की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिन कंटेन्स, क्रोमेटिन में उपस्थित होता है, तो क्रोमेटिन में एक तो डीएनए रहता है, आरएनए रहता है, उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं, तो डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स ये सारे पाए जाते हैं क्रोमेटिन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज, C4 चक्र में CO2 ग्राही होता है, तो CO2 ग्राही जो है वो PEP जो है वो CO2 ग्राही की तरह कार्य करता है इन C4 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस NADP+, प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP+ को अपचयित करते हैं, तो ये है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर जो है ये रिड्यूस करता है NADP को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज को फैक्टर एक्टिवेटर फॉर रिबिस्को, निम्न से कौन सा तत्व रिबिस्को का को फैक्टर है, तो मैग्नीशियम जो है वो एक्ट करता है एज अ को फैक्टर एक्टिवेटर फॉर रिबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्राइड, ये अमोनिया है, इनटू नाइट्राइड, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है, तो नाइट्रोकोकस जो बैक्टीरिया है वो परिवर्तित करता है अमोनिया को नाइट्राइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल कैरियोटाइप इज प्रिपेयर्ड एट विच ऑफ दीज फेजेस, गुणसूत्रों का कैरियोटाइप किस अवस्था में, किस प्रावस्था में तैयार किया जाता है, तो मेटाफेज में जो है इनका प्रोटो जो कैरियोटाइप है क्रोमोसोम्स का वो प्रिपेयर हो जाता है मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है, तो
वो हो सकते हैं फॉसिल्स, जो कि दब जाते हैं नीचे और उससे जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह जो है वो मिलती है। सनलाइट नहीं हो सकता। हाइड्रो पावर जो गहरे समुद्र में कैसे होगा, हाइड्रोथर्मल वेंट भी जो है वो पॉसिबल नहीं है उसकी एनर्जी को बनाना। पर जो फॉसिल्स हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं डीप सी वाटर में, डीप सी में जहाँ समुद्र तल के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है, नेचुरल गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल मेनली रेगुलेट्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल्स, कौन सा खनिज रक्षक कोशिकाओं में जल विभव को का नियंत्रण करता है? तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लांट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व, किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? तो नेगेटिव जो प्रेशर पोटेंशियल है वो रूट साइलम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है आणविक O2, फाइनल जो है एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए यीस्ट सेल वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ए नेट ATP, एक यीस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP उत्पन्न करता है? तो वो 36 ATP जो है उत्पन्न करेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लोराइड शिफ्ट इज़ रिलेटेड विद, क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है तो क्लोराइड शिफ्ट जो है वो CO2 ट्रांसपोर्ट, रक्त में CO2 का परिवहन जो है उससे रिलेटेड है क्लोराइड शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बक्कल कैविटी, किन इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? तो ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड, इन सब का ही जो है पाचन मुख गुहा में नहीं होता है। जो स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ RQ इज 0.7 द रेस्पिरेटरी सब्सटीट्यूट विल बी, यदि RQ का मान जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है उसका मान 0.7 हो तो श्वसन आधारित पदार्थ होगा। तो इसके लिए जो श्वसन आधारित पदार्थ है वो होगा फैट। इसके अलावा प्रोटीन जो है उनका भी RQ का मान जो है वो 1 से कम होता है, 1 से जो है वो कम होगा। ऑर्गेनिक एसिड्स का जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो समुद्री पानी में बहुत गहराई में जो है वो मिलते हैं, रेड एल्गा मिल सकते हैं गहराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथिस खैसियाना है तो ये क्या है? एक प्राइमरी कार्निवोर है और प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर है। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जो नेपेंथिस जो पिक्चर प्लांट होता है उसे का यही वही है, ये इसका साइंटिफिक नेम है ये। तो ये एक कार्निवोर होता है यानी ये एक प्राथमिक मांसाहारी और प्राथमिक प्रोड्यूसर भी है क्योंकि ये जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है, बट नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ये कीड़ों का भक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टुगेदर अकर्स इन, जल तथा सोडियम आयन का पुनः अवशोषण एक साथ होता है। तो ये एक साथ होता है जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है PCT जो है वहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डिक साइकिल इन हेल्दी मैन इज, स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है तो हृदय चक्र की अवधि जो है वो होती है 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑफ इंटरनल ईयर आर रिलेटेड टू, आंतरिक कर्ण के अर्धचक्रीय नलिकाएं संबंधित है तो ये जो है बॉडी बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम के लिए संबंधित होती हैं, शरीर के संतुलन से रिलेटेड है। जो हमारे कान के अंदर की जो कैनाल्स है जो अर्धचक्रीय नलिकाएं हैं वो शरीर का संतुलन बनाने के काम आती हैं।
ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन द कॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलीमा इज आवेग संरचना के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? तो ये जो है सोडियम आयन जो है जब अंदर आता है उसकी वजह से जो है इसका एक्सॉन कला का विध्रुवण होता है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड अपोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी? मानवी मनुष्य शरीर में अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखे जा सकते हैं या देखने को मिल सकते हैं? तो जो रेटिना की एमेक्राइन लाइंस जो हैं, एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना हैं, उनमें हम जो है अध्रुवीय न्यूरॉन्स जो है पाए जाते हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन? प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामित है? तो स्पोरोजॉइट जो होती है, जब स्पोरोजॉइट फॉर्म हो जाते हैं तो ये इन्फेक्टिव होती है मैन में, इनके इनकी वजह से जो है बुखार आती है जब ये फट जाते हैं स्पोरोजॉइट्स, तो ये इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम की। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर यूज इन मेकिंग बियर? किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो ये जो यीस्ट होता है इसके उपयोग से जो है बियर बनाई जाती है, फर्मेंटेशन में काम आता है ये। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज? पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है, तो ये क्रियात्मक इकाई जो है पेशी संकुचन की वो है सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ? पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई है। क्वेश्चन थोड़ा जो है गलत। सिनसैक्रम बोन इज द फीचर ऑफ? सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? तो ये जो बर्ड्स होते हैं उनका लक्षण होता है सिनसैक्रम बोन, फ्लाइंग बर्ड्स, उड़नशील चिड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द फीचर ऑफ? जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? तो जल संवहन तंत्र जो है वो पाया जाता है एस्टेरियाज में, जो कि एक इकाइनोडर्म है, स्टारफिश। नेक्स्ट, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल्स? प्रॉन्स एंड साइक्लोप्स, स्पाइडर एंड साइक्लोप्स। तो प्रॉन और साइक्लोप जो हैं उनमें पाया जाता है ब्रैंकियल श्वसन या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो है। टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज मेंट फॉर? केंचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है, तो ये जो है टिफ्लोसोल वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है, डाइजेशन पाचन और अवशोषण का कार्य करता है अर्थवॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म? केंचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य है, तो इसका मुख्य कार्य है एक तो मिट्टी खोदने के लिए, डिगिंग सॉइल, और उसके अलावा ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह भी जो है काम करता है, तो डिगिंग सॉइल एंड एज सेंसरी ऑर्गन, बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट टिश्यूज विद वेरियस सेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड? स्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटरोट्रॉप्स? प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, ये बिल्कुल सही है, उनमें डिफरेंट टाइप के जो है पोषण पाए जाते हैं, तो प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटरोट्रॉप्स। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्क्यूलम इन स्पंजेस, ये गलत है, ऑस्क्यूलम से तो बाहर जाता है, ऑस्ट्रिया से प्रवेश करता है। नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, ये भी जो है गलत ऑप्शन है, तो इसका सही जो है वो हो जाएगा प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेजेस, ब्रायोफाइटों में जीवाणुद्भिद अवस्था होती है, तो ये हमेशा जो है डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है, ऑप्शन दे रखे हमें लाइकोपोडियम स्लेजिलेना राइनिया स्फेग्नम, तो सीड जो हैबिट है वो पाई जाती है स्लेजिलेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
म्यूटेशंस आर मेनली उत्परिवर्तन अधिकतर होते हैं, तो मेनली जो है वो हार्मफुल होते हैं, सडन जो चेंज आता है म्यूटेशन से तो वो मोस्टली जो है हार्मफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लिम्पफिंटर सिंड्रोम इज, क्लिम्पफिंटर सिंड्रोम में बार काय की संख्या होती है, तो इसमें जो है एक होती है, एक एक्स्ट्रा जो है एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, तो बार बॉडीज जो है वो क्लिम्पफिंटर सिंड्रोम में वन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन ऑक्टामर डजन इंक्लूड, हिस्टोन अष्टक में सम्मिलित नहीं है, तो H1 जो है वो हिस्टोन ऑक्टा में सम्मिलित नहीं है, बाकी H2B H3 एंड H4 ये सारे जो है उसमें सम्मिलित होते हैं हिस्टोन ऑक्टामर में। सो बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है कि 8 प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो न्यूक्लियोसोम्स के सेंटर में पाया जाता है। ओके, सो इसमें जो है एक तो H2A, उसके अलावा H2B डाइमर्स और H3 और H4 ये जो है ऑक्टामर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड सिंथेसिस इन अ सेल अकर्स इन, कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण होता है, ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस, तो पेप्टाइड सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसल्स एंड एनस्टॉल यूज़ विच रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, मिसल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया था, तो इन्होंने नाइट्रोजन-15 का जो है प्रयोग किया था, इन्होंने सपोर्ट किया था वॉटसन एंड क्रिक का जो DNA का मॉडल है उसको, उन्होंने बताया था कि DNA जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस ऑफ अ कोडोन इज कॉल्ड वोबल बेस, एक कोडोन का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है, तो जो थर्ड बेस है उसे हम वोबल बेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर AB ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप आर पॉसिबल, ये 50 नहीं है, आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन, AB रक्त समूह के लिए मानव समशिष्ट में कुल कितने जीव प्रारूप संभव है, तो टोटल जो है जीनोटाइप 6 संभव है इसमें AB ब्लड ग्रुप के लिए। सो जो जीनोटाइप्स हैं वो हो जाएंगे AA AO BB BO AB एंड OO, तो टोटल 6 टाइप के जीनोटाइप्स जो है वो AB ब्लड ग्रुप के लिए पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण होंगे, तो इसमें जो है जीन के जो प्रारूप हैं वो तो होंगे 9 होंगे जो जीनोटाइप्स हैं, और फिनोटाइप्स जो हैं वो हो जाएंगे 4। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 9 और 4 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वॉज द मेन पॉइंट ऑफ, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था, डार्विंस थ्योरी, ह्यूगो डीब्रीज थ्योरी, लेमार्क्स थ्योरी और वॉलेस थ्योरी, तो ये लेमार्क की जो थ्योरी थी उसका ये मेन जो है पॉइंट था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी लेमार्क ने कहा था कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन उपार्जित करती है वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते जाते हैं, जो नेचुरल सेलेक्शन का जो थ्योरी दी थी लेमार्क ने वो इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन शो, श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं, तो पोषक स्तर जो है वो एनर्जी लेवल को दर्शाते हैं, ऊर्जा के स्तर को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन, क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है हमें तो जो मस्कुलर टिश्यू है पेशी उत्तक है उनमें मिलता है केराटिन फॉस्फेट मस्कुलर टिश्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल लेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है, तो उसे हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं जिसमें हम मृदा यूज़ नहीं करते और सिर्फ पानी का यूज़ करके जो है उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके और पौधों का जो है
कल्चर करते, पौधों को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एन आरएनए मॉलिक्यूल कंटेन 15% एडेनिन देन द अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी। तो ऐसा चारगाफ का रूल है कि जितना अमाउंट प्यूरिन्स का रहता है दोनों का इक्वल रहेगा और पिरिमिडिन्स का इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे एडेनिन, सो ऐसा है कि जितने प्यूरिन्स जो हैं उनका अमाउंट सेम रहेगा, एडेनिन का अगर 15% है तो ग्वानिन भी जो है वो 15% रहेगा। अब आरएनए बोला है तो साइटोसिन जो है, अब ये 30% हो गया, बाकी का बच गया 70%, तो 35% साइटोसिन हो जाएगा और 35% यूरेसिल हो जाएगा। 35% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीज़ इज़ नॉट बैक्टीरियल। इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो बैक्टीरिया से नहीं होती है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होती है, पर पोलियो जो है वो वायरस से होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिपियम बिलोंग्स टू फैमिली, गॉसिपियम किस कुल के अंतर्गत आती है। तो कॉटन जो है उसका साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, जीनस गॉसिपियम जीनस है फ्लावरिंग प्लांट का, और ये है मालवेसी में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथ स्पंजेस, बाथ स्पंज है यू स्पंजिया जो है वो बाथ स्पंज की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्नोजाइलिक वुड इज़ फाउंड इन, पिक्नोजाइलिक कास्ट पाई जाती है, तो ये जो है पाई जाती है पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलिना पल्पेपिस इज़ द जूलॉजिकल नेम ऑफ, गैसोलिना पल्पेसिस किसका जंतु नाम है। तो सी सी फ्लाई जो है उसका ये साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है सी सी फ्लाई का। द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिनोडोन इज अ लिविंग फॉसिल बिलोंग्स टू, स्फिनोडोन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है। तो ये जो है वो संबंधित है रिकोसिफेलस से, राइनोसिफेलिया से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है। तो कर्ण अस्थियाँ जो है, ईयर ऑसिकल्स जो है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नॉन न्यूक्लिएटेड या ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी ये है, प्लेसेंटा भी पाया जाता है और डायफ्राम भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन द मेंबर्स ऑफ क्लास, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है। तो मेटाजेनेसिस जो है वो होता है ऑल्टरनेट सेक्सुअल एंड ई सेक्सुअल स्टेजेस पाई जाती हैं, उसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। और ये जो निडेरिया है उस फाइलम में पाई जाती हैं, उसका है हाइड्रोजोआ जो है क्लास, उसमें पाई जाएगी मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो होता है मोनेरा से रिलेटेड है ये, मोनेरा में आता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगोज एस फेज ऑफ सेल साइकिल, निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में प्रवेश नहीं करती हैं। तो ह्यूमन नर्व सेल्स जो हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं मनुष्य की, वो कभी भी एस फेज में नहीं जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है सारी जो जनन कोशिका हैं जर्म सेल्स हैं उनमें पाया जाता है मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्क ऑन ओइनोथेरिया लेमार्कियाना, जो इवनिंग प्राइम रोज है उस पर किसने काम किया था। तो ह्यूगो डी व्रीज जो है, एच डी व्रीज, उन्होंने काम किया था ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायरस कंटेन्स, एक वायरस में पाया जाता है, तो वायरस में जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों पाए जाते हैं।
इसका सही आंसर है प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इज, अचक्रिय प्रकाश में अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, तो NADP+ जो है वो होता है प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकिन इज प्रेजेंट इन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है वो उपस्थित होता है किसमें, ये जो है बहुत सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में उपस्थित होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरियाज, फंजाई जो है उसकी काइटिन की बनी होती है सेल वॉल, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जेनेटिक कोडोन फॉर फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इन ए बैक्टीरिया में, एक जीवाणु में फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन के लिए अनुवांशिक कूट होता है, तो ये हमें याद रखना होगा, AUG जो है वो अनुवांशिक कूट होगा फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, एस्कोमाइसिटीज़ में जो है लैंगिक जनन पाया जाता है, बेसिडोमाइसिटीज़ में भी पाया जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इनमें जो है लैंगिक जनन नहीं प्रेजेंट होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर्स इन, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, ऑप्शन ए यीस्ट, क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम और क्लेमाइडोमोनास और जो यीस्ट है इन सब में जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और पेपर्स देखेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।